जा रही हूँ अभी। मैं चावल को 6 से 8 घंटा तक भिगोएगी और मैं अभी चावल ले, ये उकड़ा चावल है इडली कल का, ये सारे चीज कटोरी चावल है, ये उड़द का दाल, इसको मैं अलग से भिगोऊंगी क्योंकि ये बारीक करना पड़ता है और ये थोड़ा सा दरदरा रखना पड़ता है, इससे बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बनेगी। इडली के लिए चावल लिया है, ये अभी मैं 3-4 पानी से वॉश करूंगी। इडली के चावल में ये 2 कप पोहा, इसको भी साफ धो के भिगो के चावल के साथ साथ में ग्राइंड करती हूँ। पोहा भी वॉश कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से। इडली उड़द का दाल है इडली का, ये अलग से भिगो के रख रही हूँ, इसको भी 4 से 5 पानी तक इसको वॉश करना, कारण कि इस पे केमिकल लगा हुआ बहुत आता है। ये देखो ऐसा मसल के धोने से पूरा केमिकल पाउडर निकल जाता है। अभी अच्छे से वॉश हो गया है, अभी पानी डाल के इसको रख है। ये उड़द का दाल 6 घंटे पहले भिगोया था, अभी मैं उसको उसको ग्राइंड करने जा रही हूँ। ये देखिए उड़द दाल ग्राइंड हो चुकी है, चावल और पोहा दोनों ग्राइंड कर रही हूँ। इडली का रेडी हो गया है, उड़द का दाल और चावल का दोनों मिक्स, और 2 कप मैंने पोहा डाले थे।